अस्सलामुअलैकुम। तहरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम चैप्टर टू। आज हम शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और इंतहाबाद 1945 के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले शिमला कॉन्फ्रेंस और आम इंतहाबाद जो 1945 में मुनक्कद किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो जवाब है पेज नंबर 26 पर है। शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतहाबाद, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला जो है एक इंडिया का एक शहर का नाम है, एक इलाका है। कॉन्फ्रेंस कहते हैं किसी भी अजलास को, किसी भी यानी के जलसे को। और इंतहाबाद किसे कहते हैं? इलेक्शन को, यानी कि आम इंतहाबाद को, जिसमें अवाम जो है अपनी राय का इजहार करती है, उसे इंतहाबाद कहते हैं। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेगा, तो वायसराय लॉर्ड वेवर ने ऐलान किया कि वायसराय की इंतजामी कौंसल में तमाम तर हिंदुस्तानी अराकीन शामिल होंगे। यानी कि लिखा हुआ जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया। दूसरी जंग अजीम जो 1939 को शुरू की गई और 1945 को खत्म हुई, इसके बारे में आप सब जानते हैं। 1939 में अंग्रेजों की जो हालात थे दफाई लिहाज से वो बहुत ही खराब थे, इस वजह से उनको बड़े सगीर में अपनी जो कामयाबी है उसमें यानी कि उसको दुश्वारी महसूस हुई और वो बड़े सगीर का निजाम अच्छे तरीके से नहीं चला सके। रिसेंटली लेक्चर में आपने क्रिस मिशन और कबीर क्रिस मिशन के बारे में पढ़ा है और उसके बाद आपने कबीना मिशन प्लान के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें जैसे आप बताया सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया ताकि ब्रिटेन में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी को दूर करें, और एक वेवल प्लान भी पेश किया गया। उसको भी उसका भी मकसद, लॉर्ड वेवल का भी मकसद ये था कि ब्रिटेन में बढ़ती हुई बेचैनी को दूर किया जाए। लेकिन जब 1945 में अंग्रेजों को यानी अंग्रेजों ने किसका, अंग्रेज जो थे बरतानिया जो थे किसके इतिहादी बने? अमेरिका के। जब 1945 को अमेरिका ने ये जो जंग थी वो जीत ली, वो किस सूरत में? अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम में एटमी पावर का इस्तेमाल किया। हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान के दो बहुत बड़े शहर हैं, इस पर एटमी यानी कि एटम बम चलाया गया और इसके साथ ही अमरीका को कामयाबी यानी कि फतह नसीब हुई। अब अंग्रेजों ने क्या किया? जैसे लिखा हुआ है ना कि जब 1945 में बरतानिया को इस बात ठीक हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेगा, तो वायसराय, वहां का जो वायसराय था, वायसराय किसे अब कहा जाता है? जैसे वजीर आजम और सदर का निजाम है, तब 1945 की दहाई में बरतानवी हुकूमत में किस चीज का निजाम था? वायसराय का। बरतानवी हुकूमत में किस चीज का निजाम था? वायसराय का। यानी कि वायसराय को वजीर आजम भी कहा जाता था जो कि पूरे मुल्क का निजाम जो है वो चलाता था। अब वायसराय ने यह सोचा कि हिंदुस्तान के शुमार, वायसराय ने यह सोचा कि इंतजामी कौंसल में तमाम तर हिंदुस्तान अराकीन शामिल होंगे। ये जो लॉर्ड वेवल जो था ये किसके साथ मिला हुआ था? हिंदुस्तान के साथ, यानी कि हिंदुओं के साथ, कांग्रेस के साथ। इसने क्या कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो वजीर है वो कौन होंगे? हिंदू होंगे। इसमें तमाम तर सियासी जमातों को आबादी के तनासब से नुमाइंदगी मिलेगी। और साथ इसने ये कह दिया कि तमाम तर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाएगी, जितनी जितनी आबादी होगी उस लिहाज से उन्हें, उनके नुमाइंदगान जो है, उनके सियासी रहनुमा है, उनको इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा। यानी मुसलमान हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। 1945 में इन तजावीज पर गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। अब इन तजावीज पर गौर करने के लिए क्या किया गया? 1945 को शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक जलसा किया गया जिसमें वाजह तौर पर यह बता दिया गया कि हिंदुओं के और मुसलमानों के में के आबादी के लिहाज से उनके जो रहनुमा है उनको, यानी कि उनको इतनी सीटें दी जाएंगी। कौंसल में 5 मुस्लिम अराकीन शामिल करने की तजावीज थी, जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा नामजद करेगी। अब इस एक कौंसल बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 5 अराकीन शामिल करने की तजवीज थी। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि 4 जो है वो हिंदू होंगे और एक मुसलमान नामजद किया जाएगा। कायदे ने कहा कि 5 मुस्लिम अराकीन को मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी।
काइजर ने अपना मौका पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है इन पांच रहमा के नाम जो है वो अपने से नामजद करेगी, खुद बताएगी। मुसलमानों की नुमाइंदा जमायत मुस्लिम लीग ही है, इस नुकता पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम होगी। काइजर ने बेसिकली तौर पर इस शिमला कॉन्फ्रेंस में वाजिया कर दिया मुसलमानों की जमायत जो है वहां जो नुमाइंदा जमात है वो कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है, यानी कि मुसलमान की एक रायदा जमात है और मुसलमान ही मुस्लिम लीग ही अपने जो वजीर है वो नामजद करेगी। इस ऐलान के साथ कायदों के मौकफ के साथ ही शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम हो गई। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहद नुमाइंदा जमात है तो इस बात का फैसला 1946 और 45 के इंतबात में हुआ। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में यानी कि बकायदा तौर पर जो नाकाम हो गई, जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो करवाई गई अंग्रेजों की जानब से, इसका बड़ा और खास मकसद ये था कि हिंदुओं को और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए और इनके दरमियान मुफाहमत पैदा की जाए। लेकिन जब ये नाकाम हुई तो 1945 और 46 को बड़े स्केल में बढ़ती बेचैनी को देखकर और अवामी रुझानात का पता चलाने के लिए क्या किया गया, अंग्रेजों ने आम इंतखाबात का ऐलान किया 9 दिसंबर 1944 को। 1945 को मरकजी असम्बली के इंतखाबात का ऐलान किया गया और जब 1946 को सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया, तमाम सियासी रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की और अपनी पावर को, अपने यानी के हैसियत को, जैसे कांग्रेस से अपनी पावर को और मुस्लिम की पावर को दिखाने के लिए यानी के बताने के लिए बरतानी हुकूमत के लिए ये जगह मुसलमान यहाँ मुसलमान की सीट या हिंदू की अक्सरियत है उसको वाजह करने के लिए अपनी जदोजहद शुरू कर दी। इस यानी के आम इंतखाबात में पता चल गया कि मुसलमान यानी के मुसलमानों के पास मुसलमान बड़े सीट में क्या सीट रखते हैं और हिंदू जो है वो क्या सीट रखते हैं। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने अपना अपना मंशूर पेश किया। कांग्रेस ने अपने मंशूर में बताया कि बड़े सीट में वाहद नुमाइंदा जमात सिर्फ कांग्रेस ही है। मुस्लिम लीग ने इस बात को मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि बड़े सीट में दो जमाते हैं, एक कांग्रेस है एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है वाहद नुमाइंदा जमात है, किसकी, मुसलमानों की। अब उसके बाद इंतहाकी मुहिम भी चलाई गई। अब रिसेंटली आपने अगर बुक में देखें, पुरानी बुक में आपने इसके बारे में जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से याद किया है वो तो इस चीज को जानते हैं, वो तो समझ गए होंगे ये आम इलाहाबाद 1945 और 6 के बारे में सवाल है। इंतहाकी मुहिम भी चलाई गई जिसमें कायद अजम ने भी भरपूर हिस्सा लिया और उसके बाद कांग्रेस ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया। अब मुस्लिम लीग ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1945 में मरकजी असेंबली के इंतखाबात हुए जिसमें मुस्लिम लीग के लिए 30 नशिस्तें मुंतखब की गई। तमाम 30 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग को कामयाबी हासिल हुई। जनवरी 1946 में सूबाई असेंबली के इंतखाबात किए गए, करवाए गए, जिसमें मुसलमानों के लिए जिसमें पूरे बरसीर में 492 नशिस्तें थी जिसमें मुसलमानों ने 428 नशिस्तें हासिल की और वाजिया कामयाबी हासिल की। यूं मुसलमानों की और मुस्लिम लीग की वाजिया कामयाबी से बरतानी हुकूमत को और हिंदुओं को तश्वीश में डाल दिया। लिखा मैंने मुस्लिम ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के मखसूस नशिस्तों पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। इस तरह इस आम इंतहाबाद में शिमला कांग्रेस की नाकामी और इंतहाबाद 1945 और 6 के बाद मुस्लिम लीग जो है एक वाजिया कामयाबी के साथ बड़े सगीर में सामने आई। चैप्टर 2 तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्याम, शिमला कांग्रेस और आम इंतहाबाद 1945, इसके बारे में आपको मैंने आपको आज तफसील से बता दिया है लेक्चर में, या आपने लिखना है और इसे याद भी करना है। शुक्रिया। हाँ जी सर, जी सर।